परिवार के सभी भाई बहनों को विजयादशमी की शुभकामनाएं, शुभेच्छा, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। पूरा देश, हम सब ये विजयादशमी का त्यौहार मनाते हैं। आज शस्त्र पूजन भी होता है। आज के दिन अधर्म पर धर्म का विजय हुआ था। दोस्तों, ये इतिहास तो हम सब जानते हैं। कुछ कमेंट और व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज देखकर आज एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में सूर्य ठीक नहीं है तो अनेक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। सूर्य राजा है। ये सभी ग्रह, हमारी पृथ्वी और सभी ग्रह, सात ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वैसे नौ ग्रह बोले जाते हैं, मगर राहु केतु कोई अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह है, पात बिंदु है। हमारे जीवन के ऊपर गहरा प्रभाव रहता है राहु केतु का, मगर सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब चार्ट में, जन्म कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके बनाए हुए काम बिगड़ जाएंगे, आप उन्नति नहीं कर सकेंगे। परिवार में, समाज में, सोसाइटी में आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना धन प्राप्त आपको नहीं होगा। तो आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये उपाय आप कोई भी प्रांत से है, कोई भी कंट्री से है, ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि उपाय घर में करना है, रविवार के दिन करना है, सुबह में करना है। वैसे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने शेयर किया था ये उपाय कुछ भाई बहनों की कमेंट देखकर, मगर फिर भी एक जैसी कमेंट और एक जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज देखकर दोबारा आपके साथ ये उपाय शेयर कर रहा हूँ। पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल की पहली विजिट है, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाएं। वीडियो देखने के बाद छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आज मुझे कुछ जानकारी चाहिए। जय श्री राम लिखने के बाद आप कौन से प्रांत से है, कौन से सिटी से है, कहाँ से है, कमेंट में अवश्य बताएं। किस स्टेट से है, कौन से राज्य से है, कौन सी सिटी से है, कमेंट में आप अवश्य बताएंगे। क्योंकि परिवार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है वो जानकारी चाहिए। तो बिना भूले आपकी सिटी का नाम, आपके स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। जय श्री राम लिखना ना भूलें। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। जो भी समस्या है, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, समस्या का समाधान आप तक पहुँच जाएगा। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी। सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल कोई नहीं करेंगे, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। तो मैसेज करके रख दो, जवाब आपको अवश्य मिलेगा और सभी जानकारी मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। नंबर नोट कर लो, 8732985130। नीचे डीपी बॉक्स में ये नंबर मैंने लिख कर रखा है। सूर्य ठीक नहीं होने की वजह से कुछ बीमारियां भी आ सकती है। मैंने मेरे अनेक वीडियो में आपके साथ एक बात शेयर की है कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर, बॉडी पार्ट्स पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव रहता है, तो कुछ बीमारियां भी आ सकती है। और एक बात मैं बार बार शेयर करता हूँ, रिपीट करता हूँ, शायद आज के वीडियो में ये बात मैंने दोबारा रिपीट कर दी है कि महंगे रत्न और महंगे पत्थर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्थर लाइफ टाइम नहीं पहनना है। मेरे पुराने वीडियो में ये सभी जानकारी आपके साथ शेयर की है कि अगर आप कोई भी पत्थर लाइफ टाइम पहनते हैं तो वो पत्थर आपको नुकसान करता है।
पायमाल कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो कुछ छोटे छोटे उपाय करके जो ग्रह ठीक नहीं वो ग्रह को आप ठीक कर सकेंगे। रविवार के दिन सुबह में स्नान करने के बाद पूर्व की ओर मुंह करके, ईस्ट की ओर मुंह करके आपको ये उपाय करना है। सूर्योदय के बाद तुरंत अगर आपके घर के ऊपर छत है तो छत के ऊपर जाके ये उपाय करें, आपकी बालकनी में खड़े रहकर उपाय करें। अगर आपकी बालकनी ईस्ट में नहीं है, खिड़की है, तो खिड़की के पास खड़े रहकर ये उपाय करें। सूर्य के सामने उपाय करना है। अगर खिड़की भी नहीं है, आपका घर का लोकेशन ऐसा नहीं है कि सूर्य आपको दिखाई नहीं देता है सुबह में, तो ईस्ट की ओर मुंह करके आप ये उपाय कर सकते हैं। गाय का घी चाहिए, शुद्ध गाय का घी। बाजार में से गाय का घी ले आए। ये सूर्य का पर्वत है दोस्तों। यहाँ मैंने सभी वीडियो में बताया था कि कौन से ग्रह का कहाँ पर्वत है, ये सभी वीडियो में बताया था। तो ये अनामिका उंगली के नीचे ये सूर्य का पर्वत है। गाय के घी की एक बूंद लेनी है इस पर्वत के ऊपर। अनामिका उंगली से पर्वत के ऊपर 5 मिनट, राइट में 5 मिनट, लेफ्ट में, सूर्य की और आपका मुंह करके घी को यहाँ घिसना है। एक मंत्र बोले, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ये मंत्र बोलकर घी को 5 मिनट अनामिका उंगली के नीचे सूर्य के पर्वत के ऊपर, 5 मिनट लेफ्ट में सूर्य के पर्वत के ऊपर। मगर ये प्रयोग आप स्नान करने के बाद करेंगे। बाद में हाथ साफ कर सकते हैं आपके, ऐसे ऐसे हाथ को साफ कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, सूर्य कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है, आपकी कौन सी राशि है, ये भी आपको मालूम नहीं है, आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय आपको आसान लगेगा, सरल लगेगा, मामूली लगेगा, मगर एक बार ये उपाय आप कर लेते हैं तो राजा की शुभता, सूर्य की शुभता, राजा की प्रसन्नता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब आप बोलेंगे कितने रविवार उपाय करना है। जितने रविवार कर सकते हैं उतना रविवार आप ये उपाय करते रहे। महीने में 4 रविवार करें, 2 महीने में 4 रविवार करें, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको याद आ जाए आप ये उपाय करते रहे। बस दोस्तों एक और बात, मैंने एक वीडियो शेयर किया था 5-6 महीने पहले। बहुत से भाई बहन ने मुझे व्हाट्सएप पर पूछा है कि वो वीडियो में पूरे परिवार के लिए बताया था मैंने कि पूरे परिवार के लिए ये उपाय आप करें। कुछ खास चीज़ें कुछ खास दिशा में घर में रखें तो परिवार में कोई भी सदस्य की जन्म कुंडली में बृहस्पति, गुरु, शुक्र, चंद्र ठीक नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी चाहिए, वो उपाय चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आने वाले दिनों में मैं फिर से वो वीडियो शेयर करूँगा। कुछ भाई बहन मेरे पास लिंक मांगते हैं कि वो वीडियो की लिंक हमें भेजे। दोस्तों मैं मेरे वीडियो को शेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं लिंक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी चैनल को नुकसान होता है। तो वीडियो आपके साथ शेयर अवश्य करूंगा, मगर आपको वो वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं कमेंट देखूंगा। जैसे ये धनवर्षा पोटली की कमेंट आपने की थी और मैंने वीडियो शेयर किया था, वैसे ही आपको ये वीडियो भी आपके साथ शेयर अवश्य करूंगा। तो कमेंट करके जब भी ये 2-3 दिन में वीडियो देखे, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे। भगवान भोलेनाथ।
आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।